मच्छर मक्खी का खून लगा हो तो क्या नमाज पढ़ सकते हैं? क्या कपड़े पर मच्छर मक्खी के मर जाने से खून लग गया हो तो क्या इसे पहनकर नमाज हो सकती है? और अगर नमाज की हालत ही में किसी मच्छर के दब कर मर जाने से खून लग जाए तो क्या करें? मोहम्मद साकिब इंडिया से। मोहम्मद साकिब बात, साकिब भाई पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से मच्छरों को कत्ल करते हैं, क्योंकि कराची में हम मच्छरों और मक्खियों से बहुत परेशान हुए हैं। तो कभी आपके नीचे दब के मर रहे हैं, कभी आप हाथ मार रहे हैं तो मच्छर का खून कर रहे हैं। जब भी मैं सुनता हूँ कि किसी इंसान ने मच्छर का कत्ल किया है, खुशी होती है कि चलो दुनिया से चंद मच्छर तो ख़त्म हुए। और आप कराची वालों के लिए भी खुसूसी दुआ करें, बारिश के बाद जो हमारे यहाँ मक्खियों की एक भरमार है, जैसे फिरौनियों पर मेंढकों का अजाब मुसल्लत हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा है कराची वालों पर मक्खियों का अजाब मुसल्लत हुआ है। गलत लोगों को बार बार कराची वाले सेलेक्ट करते हैं इंतखाबात के लिए, जिसकी वजह से कभी मच्छरों का अजाब आता है कराची वालों पर, कभी मक्खियों का अजाब आता है। अभी हमने स्टूडियो से घंटा लगा के मक्खियाँ भगाई हैं बड़ी मुश्किल से, तो मैं तमीज़ से यहाँ बैठा हुआ हूँ, वरना यहाँ का भी मंजर आप देख लेते। बहरहाल मसले का जवाब ये है कि मच्छर मक्खी के खून से कपड़े नापाक नहीं होते, वो अगर दब के कत्ल भी हो जाए तो सिर्फ सवाब ही मिलता है, वो नमाज आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह।